हेलो गाइस, आज मैं आपको एक खट्टी मीठी चटनी बताने जा रही हूँ जो सबकी फेवरेट है। तो गाइस, ये मैंने लिए 4 बड़े बड़े आम और आपने इनको अच्छे से वॉश कर लेना है और बस इसे सूखे कपड़े से पोंछ के अब हमने इसके जो छिलके हैं ना उसे किसी भी पीलर की हेल्प से रिमूव कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, मैं इसे निकाल रही हूँ इसके छिलकों को और देखिए कुछ कुछ ये पीले पीले से भी हो गए हैं, यानी कि जब इतनी गर्मी पड़ रही है तो हरे आम जो हैं वो थोड़े पीले पीले से भी हो गए हैं। तो बस गाइस, ये मैंने सारे कर लिए हैं और आप देख सकते हैं इस टाइप से सारा छील लिए हैं और अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो बस इसे हाफ करके जो ये अंदर की गुठली है इसको निकाल लीजिए, क्योंकि अगर ये गुठली रहेगी तो उसका स्वाद थोड़ा टेस्ट जो है वो इतना टेस्टी नहीं होता। तो बस इस तरीके से आपने पतले पतले इन्हें शेप में कट कर लेने हैं, चाहे तो 4 पीस में भी कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे इस तरीके से कट कर रही हूँ और बस ये जो हमारे जितने भी हैं ये आम, हमने इनको इस साइड ऐसे करके इस तरीके से ही कट कर लेना है। और अब ये कुछ मसाले, ये ले रही हूँ मैं सौंफ और ये देखिए कलौंजी, ये सब जो हम अचार में डालते हैं वो इसमें भी यूज़ करते हैं। और ये लिए मैंने राई, ठीक है, पीली राई आती है और ये थोड़ी ब्राउन और ब्लैकिश जो आती है मैंने ये ही ली है। और हमने इसमें लेनी है मेथी। तो बस गाइस, आप देख सकती कितने छोटी छोटी सी मेथी और थोड़ा सा ही हमने लेना है। और बस अब हमने क्या करना है, और ये ज़ीरा। तो अब हमने कढ़ाई में तेल डालना है और उसमें ये सारे अपने गरम मसाले मिक्स करके इनको थोड़ा सा भूनना है और इस तरीके से भूनना है कि ये जले ना, गैस हमारा तेज नहीं होना चाहिए। और हमने जो ये मैंगो कट कर रखे हैं बस इसमें डाल के हमें इसे एक बार ही उलट पुलट कर लेना है ताकि जो हमारा मसाला है वो आम में अच्छे से चारों तरफ लग जाए और हमारे जो मैंगो हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बस गाइस, इतना सिंपल सा है, इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया और साथ में मैंने थोड़ा नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर लिया है और बस ऊपर से डालना है। और अब हमने इसको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करना है। तो मिक्स करने से ये है कि सारे आम में हमारा जो मसाला है वो अच्छे से लपट जाएगा, यानी मिक जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर से ढक्कन लगाते हैं और थोड़ी एक चीनी लेना है हमने अपने इसमें डालना है। और इस तरीके से हमने चारों तरफ चीनी डाल ली है और बस उसके बाद इसको मिक्स करना है फिर से हमने अच्छे से मिक्स एंड मिक्स। और ये देखिए गाइस, ये मिक्स हो चुके हैं अच्छे से, चारों तरफ हमने चीनी को अच्छे से कोट कर लेना और बस इस तरीके से आप इसे हिलाते जाइए और आप देखेंगे कि ये काफ़ी ही अच्छा सा मतलब बन जाता है। ये देखिए, और हमारी चटनी एकदम रेडी है। आप इसे रोटी, सब्जी किसी से भी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ। तो थैंक यू।